दिव्य व भव्य अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का माननीय मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। भदोही विश्व प्रसिद्ध कालीन नगरी भदोही की हस्त निर्मित कालीन के सांस्कृतिक विरासत एवं बुनाई कौशल को बढ़ावा देने के लिए कालीन निर्यात संवर्धन परिषद CEPC एवं जिला प्रशासन द्वारा कारपेट एक्सपो मार्ट कारपेट सिटी भदोही में आयोजित 4 दिवसीय 45वें इंडिया एक्सपो मार्ट अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी द्वारा दिव्य व भव्य शुभारंभ किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, माननीय मंत्री रविंद्र जायसवाल अंतर्राष्ट्रीय मेला का फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात मंडलायुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी बी एवं जिलाधिकारी गौरांग राठी ने माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी अतिथियों को थीम पैवेलियन व एक्सपो मार्ट स्टॉल का अवलोकन कराते हुए उनकी विशेषता संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया। इसी क्रम में G20 स्टॉल बीकानेर के कलिस्ता एक्सपोर्ट पर महिला दुकानदार ने माननीय मुख्यमंत्री का अभिवादन करते हुए बीकानेर की प्रसिद्ध नेचुरल जूट से निर्मित पैट लूम व बैठने हेतु हुप्स व आदि की विशेषता बताते हुए जानकारी दी। स्टॉल नंबर 17 पर विकास व खुशी जैन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की महान उपलब्धि चंद्रयान लैंडिंग के दृश्य को कुशल कारीगरों ने अपने हुनर से काली सीनरी पर उकेरा, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सराहना किया। ग्लोबल ओवरसीज के स्टॉल पर संजय गुप्ता ने मुख्यमंत्री जी को उनके फेस चित्र बुनाई की कालीन को सप्रेम भेंट किया। इस क्रम में एक अन्य स्टॉल पर राम मंदिर सीनरी कालीन दुकानदार द्वारा भेंट किया गया। मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि जिस भदोही जनपद में आज से कुछ वर्ष पहले लोगों में भय और आतंक का माहौल होता था, आज वहां पर इस कारपेट एक्सपो मार्ट में एक बेहतरीन इंटरनेशनल इंडिया कारपेट एक्सपो का यह 45वां कार्यक्रम यहां पर आयोजित हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए जितने भी हमारे यहाँ के उद्यमी हैं, एक्सपोर्टर हैं, बायर्स हैं और उनमें भी बहुत बड़ी मात्रा में फॉरेन बायर्स आए हैं, इन सब का मैं आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मेक इन इंडिया के अभियान को वैश्विक मान्यता प्रदान करने, वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल के उनके विजन को एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का एक अभियान है और इसलिए मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए CEPC बुनकर है जो इस पेशे के साथ जुड़े हुए हैं और उन लोगों के कारण आज उत्तर प्रदेश में जब हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना चलाई थी तो अकेले भदोही जनपद से 1550 कारीगरों के प्रशिक्षण और उन्हें टूल किट उपलब्ध करवाने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें उपलब्ध कराया। उन्हें मार्जिन मनी के रूप में भी हम लोगों ने 286 लाभार्थियों को इसके साथ जोड़ा। इसके साथ ही बैंकर्स के साथ भी उनकी बैठक करने के साथ साथ उन्हें सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने में भी अब तक मदद दी गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के माध्यम से भी जहां इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, वहीं यहां के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर भी उन्हें लगातार सहयोग किया जा रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि देश के अंदर जो कालीन उद्योग का जब तक एक्सपोर्ट होता है लगभग 17,000 करोड़
और इसमें मुझे प्रसन्नता है बताते हुए कि लगभग 16 यानी 60% जो एक्सपोर्ट होता है वह उत्तर प्रदेश के 3 जनपदों भदोही, मिर्जापुर और वाराणसी के हमारे कारीगरों के द्वारा निर्मित कारपेट का होता है।